हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्टडी पॉइंट। आज हम लोग हायर क्लासेस की जो हमने जो पढ़ाया था आपको हिस्ट्री ऑफ बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया के आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं। और अब बैक्टीरिया की थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा हिस्ट्री जो है वो बची रह गई है, दो चार पॉइंट्स उसमें बचे रह गए, मैं उनको बता के उसके बाद फिर बैक्टीरिया को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद हम उसको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए, यहां पे मैंने उस दिन बताया था कि इधर हम लिखेंगे नेम ऑफ द डिस्कवरर, नेम ऑफ डिस्कवरर, और इधर हम लिखेंगे इनकी डिस्कवरी, कौन कौन से इन्होंने डिस्कवरी जो है वो की है। तो इधर डिस्कवरी हो गई और इधर हम पढ़ेंगे कौन कौन है जिन्होंने जो है वो डिस्कवर किया है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हम इसमें पढ़ेंगे, इनका नाम है हैंस क्रिश्चियन ग्राम, हैंस क्रिश्चियन ग्राम। इन्होंने टेक्निक दी थी जिसका नाम था ग्राम स्टेनिंग टेक्निक, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक, ये इसका नाम दिया था। इस टेक्निक के थ्रू हमको ये पता चल जाता है कि कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो ग्राम पॉजिटिव हैं और कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि ग्राम निगेटिव हैं। ग्राम पॉजिटिव और निगेटिव के जो कैरेक्टरिस्टिक जो बैक्टीरिया होते हैं उनका फीचर्स अभी हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम बैक्टीरिया को स्टडी करेंगे तो हम उसी में पढ़ेंगे। अभी हम आपको ये बता रहे हैं कि हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने एक टेक्निक बनाई थी जिसका नाम था ग्राम स्टेनिंग टेक्निक, और इन्होंने इसलिए बनाया था क्योंकि इनको दो प्रकार के बैक्टीरिया दिखाई दिए, एक ग्राम पॉजिटिव थे और एक ग्राम नेगेटिव थे। यानी जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया की सेल वॉल में इस प्रकार से जो मॉर्फोलॉजिकल जो स्ट्रक्चरल जो फेनोमेनन है, या आप उसको बोल सकते हैं जो स्ट्रक्चर है, उसमें कुछ चेंजेस थे, इसीलिए उन्होंने कुछ ग्राम पॉजिटिव टेक्निक्स बताए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहा उन्हें और किसी को ग्राम नेगेटिव कह दिया। ये जो ग्राम पॉजिटिव और जो स्टेनिंग जो ये टेक्निक है, इस टेक्निक को मैं एक अलग से लेसन में पढ़ाऊंगा, तो उस लेसन को आप लोग देखिएगा। लेकिन सबसे पहले हमें ये जान लेना पड़ेगा कि आखिर जो बैक्टीरिया है उसका स्ट्रक्चर और उसकी फिजियोलॉजी क्या है। तो अभी हम केवल डिस्कवरी पे बता रहे हैं, आप केवल डिस्कवरी पे अभी ध्यान दीजिए। सेकेंड है जो अगले साइंटिस्ट है, इनका नाम है एफ ग्रिफिथ, ग्रिफिथ ये दूसरे साइंटिस्ट हैं। इन्होंने एक प्रक्रिया दी थी इसका नाम था ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया, ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है इसके बारे में इन्होंने बताया, ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है ये बात इन्होंने बताई। तीसरे साइंटिस्ट हैं, इनका नाम है एन जिंडर, एन जिंडर एंड लीडरबर्ग, लीडर वर्ग। इन्होंने एक प्रक्रिया दी थी और उसका नाम था ट्रांसडक्शन। आप लोग परेशान मत होइएगा, मैं सारे जो ये मैं ट्रांसफॉर्मेशन लिख रहा हूं, ट्रांसडक्शन लिख रहा हूं, ये सारी चीज हम आपको अलग अलग मतलब लेक्चर्स में आपको बताते रहेंगे, जब जहां जरूरत पड़ेगी हम इसको बताएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ट्रांसडक्शन क्या है, ये सब प्रक्रिया है जो बैक्टीरिया खुद करता है। चौथा पॉइंट अगर हम देखेंगे तो मैंने आपको बताया कि एन जिंडर एंड लीडर वर्ग ने जो बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसडक्शन की प्रक्रिया दी थी, ये इनकी खुद की डिस्कवरी थी, ये इनमें जो है वो प्रोसेस था। अब आ जाते हैं जो है जे लीडरबर्ग एंड टाटम, जे लीडरबर्ग एंड टाटम ये अगले साइंटिस्ट हैं, और इन्होंने क्या दिया था कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया थ्रू बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर हमने बैक्टीरिया के बारे में तीन प्रोसेस लिख दी हैं, और इन तीनों प्रोसेस को हम अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहली प्रोसेस जो मैंने लिखी है उसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन,
दूसरी प्रक्रिया मैंने आपको बताई है ट्रांसडक्शन, और ये थर्ड प्रक्रिया जो हम यहां पे लिख रहे हैं इसे बोलते हैं कॉन्जुगेशन। तो ये तीन प्रोसेस जो है वो बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती हैं, और इन सबको डिस्कवर करने या इनको ज्यादा अच्छे से नॉलेज देने के लिए इसमें हमारे तीन साइंटिस्ट लगे। एक का नाम था एफ ग्रिफिथ, जिससे फ्रेडरिक ग्रिफिथ, एनजिंडर एंड लीडरबर्ग, इन्होंने ट्रांसडक्शन की प्रक्रिया दी, और ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है उसको दिया, और फोर्थ है जिनको बोलते हैं जे लीडरबर्ग एंड टॉटन, इन्होंने बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बताया, और उस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का जो कारण माना वो ये माना कि ये प्रक्रिया है जो कॉन्जुगेशन कहलाती है। ओके, अगले साइंटिस्ट हैं जो इन्हीं सीरीज में हैं, इनका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने एक एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया, और उस एंटीबायोटिक का नाम था पेनिसिलिन। इसको निकाला इन्होंने, वो था एक फंजाई था, उसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। ओके, और आप जब इसका नाम लिख रहे होंगे तो आप इसको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि एक पॉइंट जो है वो जीनस कहलाता है और एक पॉइंट जो है वो स्पीसीज कहलाता है। जीनस का हमेशा कैपिटल लेटर, पहला जो अक्षर होता है वो कैपिटल लेटर में होता है, स्पीसीज का हमेशा जो लेटर होता है, पहला लेटर होता है वो स्मॉल लेटर में होता है। पहला जीनस को डिनोट करता है और दूसरा जो है वो स्पीसीज के डिनोट करता है। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो एक फंजाई है पेनिसिलिन जो है, मतलब ये एक एंटीबायोटिक है, और ये आपके सामने जो मैंने लिखा है वो एक फंजाई है जिससे ये निकाला गया है। तो आप देख रहे हैं कि एक जो स्पीसीज है या प्लांट है, कोई ऑर्गेनिज्म, उसके दो नाम है। ऐसे नाम को बायनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं, जिसको कैरोलस लिनियस ने जो है वो दिया था। तो ये अगर आपको समझ में आ गया तो आप मुझे बताएं। आगे आ जाते हैं एच हेलरीजल एंड एच विल्फाथ, अगला है इनको बोलते हैं एच हेल रीजल एंड इसको बोलते हैं एच विल्फाथ। ये अगले साइंटिस्ट हैं, और इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने एस्टेब्लिश किया था, क्या एस्टेब्लिश किया, मैं इसको यही नीचे लिखे दे रहा हूं, उधर जगह उतनी नहीं है। मैं इन्होंने क्या कहा था कि एस्टेब्लिश, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने दिया था, एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन लेग्यूम्स। आप जानते हैं प्लांट जिनको बोलते हैं लेग्यूम्स, ऐसे प्लांट होते हैं, दाल वाले प्लांट्स को लेग्यूम कहा जाता है। एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन लेग्यूम्स एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो यहां पे जो बताया गया है वो ये कहा गया है कि जो एच हेलरीजल और एच विल्फाथ, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने लेग्यूम्स में दाल वाले प्लांट, जितने भी दाल वाले प्लांट हैं जिनमें नोट्स पाई जाती हैं वो, और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के बीच में रिलेशनशिप बताया कि कैसे ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है वो लेग्यूम प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। इस बात के बीच में रिलेशनशिप, इनके बीच में संबंध जो है वो एच हेलरीजल और एच विल्फाथ ने बताया था। तो ये जो हमने आपके सामने लिखा है, ये बैक्टीरिया का जो हिस्ट्री था ना, बैक्टीरिया की जो हिस्ट्री हम पढ़ा रहे हैं, तो उसमें छूटा हुआ ये पोर्शन था, और इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा अलग पढ़ाने की कोशिश की है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर ही होगा, अब हम बैक्टीरिया के बारे में ही डील करेंगे। तो यहां पे आप देखिए, इधर मैंने लिख दिया था नेम ऑफ डिस्कवरर और कौन कौन सी डिस्कवरी इनसे एसोसिएटेड है, इस चीज को हमने यहाँ पे लिखा था, है ना। तो आप देख रहे होंगे कि कुल मिला के जो 6 पॉइंट्स लिखे हैं, 6 पॉइंट्स के आगे मैंने ये सारी चीजें लिखी हैं। तो यदि आप देखिए कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करके प्लांट्स के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया को संपन्न करवाते हैं, वाले उनको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। आप जानते हैं इनके पास एक पिगमेंट भी होता है जिसको बोलते हैं लेग हीमोग्लोबिन, ये बात का विषय है जो हम बाद में बताएंगे आपको, लेकिन यहाँ पे तीन प्रक्रिया है, ये बहुत ही जरूरी है जो आपके सामने मैंने लिखा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक ट्रांसडक्शन और एक कॉन्जुगेशन, और एक ये टेक्निक ग्राम स्टेनिंग टेक्निक, जिसमें हम ग्राम पॉजिटिव ग्राम बैक्टीरिया को अलग अलग कर देते हैं। ये बहुत जरूरी है मेडिकल लाइन में, क्योंकि अगर हमें जानकारी नहीं होगी तो हम उस पर वर्क नहीं कर पाएंगे,
तो इन चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इसके जस्ट बाद अब हम बैक्टीरिया की स्टडी करने वाले हैं, बैक्टीरिया के बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि हमने हिस्ट्री ऑफ बैक्टीरियोलॉजी को डील कर लिया है, अब हम इसको पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय फॉर नाउ, थैंक यू।